अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 2 से रिलेटेड है, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक मास। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उन लोगों को लाजमी शेयर कीजिएगा, उन स्टूडेंट्स को लाजमी शेयर कीजिएगा कि जो 9th क्लास में अभी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है ये। तो चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा, एटॉमिक मास को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एटम के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। 400 बिफोर क्रिस्ट यानी कि 400 साल कबले मसीह एक ग्रीक फिलोसोफर आए थे, डेमोक्रेटस, जिन्होंने अपना नज़रिया पेश किया था कि मैटर जो है वो तकसीम ना होने वाले बहुत छोटे छोटे ज़र्रों से मिलकर बना है। यानी कि यूँ समझ लें कि मैटर की जो बुनियाद है वो एटम ही है और इस तकसीम ना होने वाले छोटे छोटे ज़र्रे को इसने क्या नाम दिया, एटम का नाम दिया इसने। ये एक ग्रीक वर्ड है एटोमोस, जिससे एटम निकला है, जिसका मतलब क्या है कि जो मज़ीद तकसीम ना हो सके। लेकिन इसके बाद भी एक्सपेरिमेंट हुए तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, ये तो आपको पता ही है और हम इनको आगे चल के तफसील से पढ़ेंगे भी। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो है एटॉमिक मास। अच्छा, द मास ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। असल में क्या है कि कुछ लोगों का जो कॉन्सेप्ट है या कुछ स्टूडेंट्स जो हैं गलत कॉन्सेप्ट ले लेते हैं इससे कि मास जो है वो एटम का वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की प्रेजेंस को कहते हैं एटम के अंदर, कि उनको हम सम करेंगे तो वो एटॉमिक मास होगा, जबकि ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मास नंबर कहलाता है। असल में एटॉमिक मास ये क्या, ये अब हम पढ़ेंगे। एज द एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई एटम जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा ज़र्रा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वेट देम डायरेक्टली, और इसी वजह से जो है छोटे ज़र्रे की होने की वजह से हम इसको डायरेक्टली वेट भी नहीं कर सकते, ना ही अब तक इसके वेट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट अब तक इन्वेंटेड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम इज़ 1.6 × 10^-24 ग्राम। अब इस वैल्यू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना छोटा है। तो वी कैन नॉट वेट अ हाइड्रोजन एटम और एनी अदर काइंड ऑफ एटम, हम उसको वेट नहीं कर सकते। साइंटिस्ट नीड स्पेशल मेथड टू ऑब्टेन द मास ऑफ एन एटम। साइंसदानों ने क्या किया, एक उनको ज़रूरत थी एक ख़ास तरीके की हासिल करने के लिए एटम के मास को, और वो तरीका उन्होंने क्या निकाला है, बाय कंपेरिजन टू अ स्टैंडर्ड मास। यानी कि उन्होंने ये बताया कि हम डायरेक्टली तो किसी भी एटम का मास नहीं निकाल सकते, लेकिन कंपैरिजन के ज़रिए हम मास निकाल सकते हैं, जिसमें उन्होंने क्या किया, कार्बन जो बहुत छोटा एलिमेंट है, मास का कम है, तो इसलिए उन्होंने कार्बन को एक स्टैंडर्ड बनाया। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इसकी उस हिसाब से जो साइंटिस्ट ने जो एक स्पेशल मेथड बनाया था वो क्या है, उसके हिसाब से डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, यानी कि एटम का रिलेटिव मास जो है किस तरह, विच इज़ कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन एटम, जिसको जब कार्बन के मास से कंपेयर किया जाएगा वो कहलाएगा एटॉमिक मास। अच्छा, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, AMU। अब यहाँ पे दो एग्जांपल हैं छोटी छोटी। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 16 AMU है। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर क्या है, ये है 32 AMU। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा
और बहुत इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो भी डेफिनेशंस ही होंगी और उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो लेक्चर मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।